प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बीपीएल का सर्वे हुए 22 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ना तो सरकार ने कोई ध्यान दिया और ना ही नगर परिषद की ओर से बीपीएल के परिवारों को लेकर सर्वे करवाया गया। मामला मीडिया में आने के बाद नगर परिषद के अधिकारी कोरोना काल का हवाला देकर जल्द ही बीपीएल का सर्वे करवाने की बात कह रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो सर्वे हर 5 वर्षों में होना चाहिए था, वह इतने सालों से क्यों नहीं करवाया गया? क्यों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा बीपीएल की सुविधाओं से वंचित रखा गया? लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि 1999 में बीपीएल परिवारों का सर्वे हुआ था और उसके चलते 250 के करीब परिवारों को बीपीएल में जोड़ा गया था और उन्हीं परिवारों को 22 वर्षों से बीपीएल के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन नगर परिषद नालागढ़ के अंतर्गत आने वाले 9 वार्डों में अभी भी गरीबी रेखा से नीचे काफी लोग और परिवार हैं, जो अभी भी बीपीएल से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं उन लोगों ने सरकार नगर परिषद के अधिकारियों से जल्द ही बीपीएल के सर्वे करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें भी बीपीएल में शामिल किया जाए ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली बीपीएल के तहत उन्हें भी मदद मिल सके। बीपीएल का सर्वे जो है वो काफी दिनों से नहीं हुआ, तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी चाहते हैं कि बीपीएल में उनका नाम आए, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? एक्चुअली जो कोविड के कारण अभी बीपीएल का जो हमारा सर्वे है नई कमेटी बनने के बाद नहीं हुआ है, तो जैसे ही कोविड में थोड़ी रिलैक्सेशन जब आनी शुरू होगी है, तो मतलब नियर फ्यूचर में बीपीएल का सर्वे दोबारा से किया जाएगा और जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो डिजर्विंग बेनिफिशरी है उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 1995 पे चला हुआ है केस, ये 95 में बने थे बीपीएल के कार्ड, 250 के करीब नालागढ़ में बीपीएल परिवार है, तो ये उसी मर्ज पे चले हुए हैं अभी तक। तो हमने पीछे जो नगर परिषद थी हमारी में उसमें पार्षद था, तो हमने आवाज़ उठाई थी भी जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए, बहुत परिवार ऐसे हैं नालागढ़ में जो इस बीपीएल परिवार में शामिल किए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया था, रेजोल्यूशन डाल के सरकार को भेज दिया था, नालागढ़ के बीपीएल जो कार्ड थे हमने रद्द कर दिए थे वो। तो उसके बाद मार्च में 2020 में कोरोना आ गया, कोरोना के चलते सरकार ने बोला भी इसको रेगुलर कर दीजिए, लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, तो हमने भी नगर परिषद में रेजोल्यूशन डाल के उसको कंटिन्यू कर दिया था। तो मेरी सरकार से मांग है भी जो नालागढ़ में बीपीएल परिवार चिन्हित किए जाएँ द्वारा और लोगों को बेनिफिट मिले इसका, और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो सरकार से गुजारिश है जल्दी से जल्दी इसका बीपीएल परिवार का समाधान किया जाए और लोगों को बेनिफिट दिया जाए। जो लोग बीपीएल परिवार में नहीं आते, उनके कार्ड अगर बने हुए हैं तो उनको हटाकर नए बीपीएल परिवार में शामिल किया जाए। सर कुछ जैसे बीपीएल के परिवार अगर मान लो दोबारा सर्वे होता है तो कोई अलग से लॉबी उसको देखती है बनाने के लिए या नगर परिषद के थ्रू ये बनते हैं? हम चाहेंगे नगर परिषद पार्षद ईओ सर्वेयर इसमें सम्मिलित किए जाएं, उन लोगों को पता होता है कि कौन परिवार गरीब है कौन परिवार नहीं गरीब है। बाहर से एक अगर संस्था आती है तो उनको नहीं पता होता है, लोग जान से में लेकर उनको गलत कार्ड बनवा लेते हैं, तो जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बंदे रह जाते हैं। जैसे भी आयुष्मान कार्ड बने थे उसमें भी बहुत से लोग जो जरूरतमंद थे उनका नहीं कार्ड बना वो, तो हम सरकार से वो भी अनुरोध करेंगे कि आयुष्मान कार्ड जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको भी लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। बहुत से लोग नालागढ़ में ऐसे हैं जिनको जरूरतमंद है वो। नाम जी आपका? तृप्ता देवी। अच्छा, आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है क्या? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? बनना चाहिए। तो कितने साल हो गए आपके, मतलब आपके मतलब नहीं अभी नहीं बन रहा आपका? 25 साल हो गए। तो इससे पहले आपने किससे बात करी थी? करी है। तो क्या क्या हुआ? बनता ही नहीं है। अच्छा, बनता नहीं है। कुल्लो प्रधान ने भी कहा कितनी बार जोर लगाया, वार्ड मेंबर मेरा हुई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो दिनेश। अच्छा, आपका जैसे मतलब बीपीएल कार्ड है आपके पास? कार्ड आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है क्या? तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम भी चाहते हैं सरकार से भी हमें भी ये सुविधा मिले, सरकार से जो भी ये सुविधा मिलती है हमारा भी ये कार्ड बनाया जाए ताकि हम भी सुविधा का लाभ उठा सकें।
तो आप कोई कारोबार करते हैं या क्या? कारोबार कोई नहीं करते, रोजगार है। अच्छा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।